समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी बात ही की जाती है, जिनके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी हर किसी की जुबा पर है, और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाली आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, वो हैं देश के महान क्रांतिकारियों में शुमार सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश के लिए जो किया उसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत पर मौत के रहस्य का पर्दा आज भी बना हुआ है। नेताजी ने हमेशा यही कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है बताया। नेताजी ने देश को स्वतंत्रता दी, नहीं जाती ली जाती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोशीले नारे भी दिए। आज विशेष में हम बात करेंगे देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और उनके योगदान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देश बंधु चितरंजन दास से हुई। उन दिनों चितरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था और अंग्रेजों के जुल्मो सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। इतना भी छुपाने की कोशिश कर ले, एक दिन इतिहास बोलता है और बहुत जोर शोर के साथ बोलता है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को जो इतिहास बोला है कि पहली बार लाल किले में झंडा फहराया जाना 21 अक्टूबर को और 75वीं वर्षगांठ मनाए जाना आज़ाद हिंद भारत की सरकार की, उस भारत की सरकार की जो अविभाजित भारत था, कोई आसान बात नहीं थी। चितरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा, साथ ही तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाया कि उनका नीति में विभेद था। वो अंग्रेजों से संघर्ष चाहते थे, संघर्ष होकर के इन तरीकों को बदलना चाहते थे जिन तरीकों को कांग्रेस ने अपनाया हुआ था, और वो मतभेद त्रिपुरी के बाद से उत्पन्न हो गए थे, जबकि नेताजी चुन करके त्रिपुरी में इतनी वोट से जीत के आते हैं, पट्टा भाई सीताओं को हरा करके, इसको गांधी जी अपनी हार मानते हैं और फिर नेताजी कांग्रेस का अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं, तो उसके बाद से ही बात चलती है। तो वो बार बार गांधी को ये कह रहे हैं कि मौका है आंदोलन छोड़िए,
लेकिन कुछ बंगाल को लेकर के मतभेद हैं। वो बंगाल में सरकार बनाना चाहते थे प्रजाकर्षक पार्टी से मिलके, जिससे मुस्लिम लीग को बाहर रखा जा सके। पहले गांधी ने उसकी इजाज़त भी दे दी, बाद में गांधी ने मना कर दिया और वो सरकार नहीं बनी वहाँ पे। अगर वो सरकार उस समय बन जाती और नेताजी ने उसी समय ये कहा था कि ये बंगाल के लिए सुसाइड है, अगर वो सरकार उस समय बन जाती तो शायद बंगाल का विभाजन इस तरीके से नहीं होता देश का। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का ये विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। कलकत्ता से निकल करके पेशावर तक जाना और फिर पेशावर से आगे की आप समझ सकते हैं आज के जमाने में जर्नी नहीं होती कि पहले कार से जाना, फिर टट्टू पे बैठ के जाना, फिर पैदल जाना, फिर दोबारा ट्रक से जाना और जलालाबाद होते हुए फिर काबुल पहुंचना, और वो भी उस समय पठान बन करके फिर काबुल में रहना और फिर काबुल से निकल के बर्लिन तक जाना। मॉस्को बर्लिन की यात्रा तो हवाई जहाज से की, लेकिन उससे पहले की तमाम ये हिंदू कुश को पार करते हुए गाड़ी से यात्रा, दो इटालियन दो जर्मन अफसर थे उनके साथ में लुफ्तांसा के, और फिर वहाँ से समरकंद से निकल के और मॉस्को तक 600 किलोमीटर की दूरी उस ठंड के अंदर मॉस्को की उसमें उसको जाकर के करना कोई आसान काम नहीं था। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। इसी वजह से यहाँ नेताजी से जुड़ा ये म्यूजियम बनाया गया है। आखिर क्या था रेड फोर्ट ट्रायल और आज़ादी की लड़ाई में इस मुकदमे की क्या भूमिका थी, देखिए इसी पहल पर तैयार ये रिपोर्ट। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लर, शहनवाज, ये वही नारा था जिसने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। दरअसल रेड फोर्ट ट्रायल आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक दिल्ली के लाल किले में हुई, और जिस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चल रहा होता था, तब बाहर सड़कों पर मौजूद देश के नौजवान यही नारा लगाते थे, ये मुकदमा कई मोर्चों पर देशवासियों की एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। संग्रहालय बना उसी बैरक के अंदर है जिसमें INA के मुकदमे चले थे और पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था, कि जो उस समय नारा था कि हिंदुस्तानियों की एक आवाज़, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। इसके बाद हमने संग्रहालय में एक और चीज़ भी दिखाई है कि INA के जो मुकदमे हुए उन मुकदमे ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं कि उन मुकदमों से पहले ही कितनों को जो है अंग्रेज फांसी दे चुके हैं, कितनों को अंग्रेज गोली मार चुके हैं। आजाद हिंद फौज के 10 मुकदमों में रेड फोर्ट ट्रायल पहला मुकदमा था जिसमें आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा चलाया था। ये मुकदमा देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना,
क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया वो तीनों ही अलग कौम से थे, लेकिन तीनों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी करने के लिए चुना था, जबकि जनरल शहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से केस लड़ने की पेशकश की थी। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए तब डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देश के उस वक्त के कई नामी गिरामी वकील आगे आए थे। जब करो और मरो का गांधी जी ने नारा दिया और गांधी जी गिरफ्तार हो गए, सारे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, कोई कार्यक्रम नहीं था जनता के सामने उस समय, तो बर्लिन रेडियो से 19 अगस्त और 31 अगस्त को आजाद हिंद रेडियो से दो नेताजी के भाषण हैं जिसमें उन्होंने पूरा कार्यक्रम दिया है कि अंग्रेजों की जो है सप्लाई लाइन काट दो, इनकी कम्युनिकेशन की लाइन काट दो पूरी की पूरी, इसके अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी काम करना बंद कर दे, रेलवे स्टेशन उखाड़ दो, रेल लाइन उखाड़ दो, और उसी के साथ मतलब यहाँ तक उन्होंने इसमें इस बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो नौकर अंग्रेजों के यहाँ काम करते हैं खान साहब है वो उनका खाना खराब बनाए, अच्छा खाना ना बना के खिलाए उनको। तो एक बहुत मतलब सोच समझ और उसकी तहत एक चीज आती है। इस दौरान हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हो गया था, लोग देश की आजादी के खातिर मर मिटने को तैयार थे, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग जगहों पर हुई एकता सभाओं में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गई। लोगों की दुआएं काम कर गई और मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी हवा का रुख भांप गए और उन्हें समझ आ गया कि अगर अधिकारियों को सजा दी गई तो हिंदुस्तानी फौज में बगावत हो जाएगी। इतना भी छुपाने की कोशिश कर ले, एक दिन इतिहास बोलता है और बहुत जोर शोर के साथ बोलता है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को जो इतिहास बोला है कि पहली बार लाल किले में झंडा फहराया जाना 21 अक्टूबर को और 75वीं वर्षगांठ मनाए जाना आज़ाद हिंद भारत की सरकार की, उस भारत की सरकार की जो अविभाजित भारत था, कोई आसान बात नहीं थी। रेड फोर्ट ट्रायल और इस दौरान उठे नारे ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जो भारत की आजादी की लड़ाई में काफी अहम साबित हुई। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों के अधिकारों को मजबूती दी। सहगल, ढिल्लन और शहनवाज के अलावा आजाद हिंद फौज के अनेक सिपाही जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, उन सभी को रिहा किया गया। इस मुकदमे के बारे में कई देशों की मीडिया में जमकर लिखा गया, जिसके चलते रेड फोर्ट ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते नजर डालते हैं नेताजी के जीवन के सफर पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The blood of freedom-loving Indians begins to flow. Will India attain her freedom? Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. Jai Hind. और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस 14 भाई बहने थे जिसमें 6 बहने और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र से था। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवनशॉप कॉलेजिएट स्कूल में की। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहे और समाज के प्रति उनकी सोच मानवतावादी और सुधारवादी बनती गई।
बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों के सुभाष और भारत माँ के इस लाल का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहाँ लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे। इसलिए जब बिसवा दशा में सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों को अपने पक्ष में बुलाया तो निजीकरण, बलिदान, मजबूर मार्च और मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं करने का वादा किया था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में एक जादुई प्रभाव था। उनकी आवाज पर पूरा देश जान न्योछावर करने को तैयार हो जाता था, लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता बोस की निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती हैं। नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वो जापान पहुंचे, जापान से सिंगापुर। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी के मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।